बस्मिल्ल रामीम वेलकम टू एजुकेशन गेटवे टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर फोर सो हियर इज़ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एक किस्म का आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है ठीक है तो ये स्क्रीन पर आपको उसकी डेफिनेशन नज़र आ रही है मैं इसको थोड़ा सा इस रिलेट से एक्सप्ल करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम थोड़ा सा डीपली जो है आज यहाँ पर स्टडी करेंगे सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट वर्क एज इंटरफेस बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक किस्म का सॉफ्टवेयर है जो कैसे काम करता है मतलब यूज़र और आपका जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसके दरमियान एक इंटरफेस है समझ ले कि एक किस्म का ब्रिज है ठीक है दो रोड हैं उन आपस को रोड को आपस मिलाने के लिए आपको ब्रिज का आ, मतलब वहाँ पर काम परफॉर्म करेगा मतलब एक मोटी मिसाल के तौर तो पर आप ये समझ लें कि आप अगर यूज़र ये चाहे कि मैं डायरेक्ट हार्डवेयर के साथ लिंक करूँ तो वो नहीं कर सकता मतलब यूज़र कभी ये तो नहीं कर सकता कि भाई रैम के अंदर खुद डाटा लोड कर रहा हो सी से डाटा उठा रहा हो सी को भाई चलाने के लिए उस हार्डवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब यूज़र और आपके हार्डवेयर के दरमियान एक लिंक इस्टाब्लिश करेगा एक ब्रिज या एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप उस हार्डवेयर को कंट्रोल करेंगे तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है कि वो सिस्टम को कन्वीनियंट बनाता है उसको यूटिलाइज़ करने का उसको एफिशिएंट मैनर में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ऐसे टास्क परफॉर्म करता है जैसा कि रिसीविंग इनपुट्स कीबोर्ड से प्रोसेस कैसे करना है आउटपुट स्क्रीन पर कैसे भेजनी है तो ये सारे काम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम मीन दैट रिसोर्स मैनेजर एक ये इसका नाम हो सकता है कि रिसोर्स मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है जो कि मैनेज कर रहा है कि तमाम किस्म के रिसोर्स क्या हैं आपकी जितना मेमोरी है प्रोसेसर है इनपुट प्रॉपर डिवाइसिस है पैरिफेल डिवाइस हैं जो कुछ भी आप अपने सिस्टम यूनिट के साथ या अपने कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं देश आर आल द रिसोज़ ऑफ द कंप्यूटर सो दीज रिसो आर कंट्रोल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम सो फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट स्टोरेज मैनेजमेंट क्या है मतलब इसका मतलब है कि इट मैनेज आल द स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग फाइल एंड डायरेक्शन रीडिंग राइटिंग ऑपरेशन दैट द स्टोरेज मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा मैनेज करता है कंप्यूटर की तमाम किस्म की जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ हैं वो इनपुट एक्टिविटीज़ हैं या आउटपुट एक्टिविटीज़ हैं इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो आर यू सी दट वैन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर एंड द लास्ट सॉफ्टवेयर यू सी वैन द कंप्यूटर टर्न ऑफ इट इज़ दिसटम दैट इनेबल आल द प्रोग्राम यू यूज एट द सिपलेस्ट लेवल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज टू द टू थिंग्स मीन्स कि आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ऑफ़ कर रहे हैं तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो ये आपको यहाँ पर फिकर नज़र आ रही है कि दरमियान में एक हार्डवेयर है कर्नल है और उसका उस साथ ही यूजर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा है उस पूरे सिस्टम को क्या कर रहा है कंट्रोल कर रहा है पहले वो क्या करेगा मैनेज करेगा हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर सोर्सेज को कंप्यूटर सिस्टम के ठीक है उसके बाद वो जैसा कि जो मेन इसके अंदर सोर्सेज में इंक्लूडेड हैं प्रोसेसर है मेमोरी है डिस्क है स्पेस है यो सेकंड जो है इट सर प्रोवाइड स्टेबल कंसिस्टेंस वे फॉर एप्लीकेशन टू डील विद द सॉफ्टवेयर विद द हार्डवेयर विदाउट हैविंग नो ऑल द डिटेल ऑफ द हार्डवेयर द फर्स्ट टास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सोसेज को मैनेज करना दट्स वेरी इंपॉर्टेंट टास्क दैट आर परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है सो ई वेरियस प्रोसेस कम्पलीट टू ई अदर फॉर गेटिंग सीप यू टाइम मेमरी स्पेस कंप्लीट द टास्क इन दिस रिगार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ मैनेजर टू अलोकेट द अवेलेबल सोर्सेज टू सेटिसफाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रोसेसर समझ लें जैसे एक बैंक के अंदर एक मैनेजर का काम क्या हो सकता है एक बैंक मैनेजर मतलब अगर किसी जो भी कोई क्लाइंट वहाँ पर आता है किसी को भी कोई इशू है प्रॉब्लम है सो दिस विल डिस्कस विद द बैंक मैनेजर सो दिस विल मैनेज दिस विल सॉर्ट आउट यूट्स इश्यूज सो देआर फॉर वी कैन से दैट सिस्टम वर्क एज अ मैनेजर दैट मैनेज आल द रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम सो ये कुछ फंक्शन आपको नज़र आ रहे हैं प्रोसेस मैनेजमेंट है मेमोरी मैनेजमेंट है एक्सटेंडेड मशीन है मास्टरमाइंड है तो ये मतलब कि बेसिकली जो चार कोर फंक्शन है वो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं मतलब सबसे पहला कि प्रोसेस को मैनेज कैसे करना है कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करना है कौन सा बाद में करना है मेमोरी को कैसे मैनेज करना है कंप्यूटर के अंदर मेमरीज मेन मेमोरी को कैसे यूटिलाइज़ करना है या उसकी जो परमानेंट मेमोरी उसको कैसे यूज़ करना है तो ये सारे जो हैं ये इसके फंक्शन हैं बहुत से टाइप्स के ऑपरेटिंग सब मौजूद हैं मतलब कि ओल्ड टेक्नोलॉजी से लेकर न्यू टेक्नोलॉजी तक बहुत सारे जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे आपके अवेलेबल थे जैसा सीरियल प्रोसेसिंग ये कुछ पुराने दौर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें फीफो प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो प्रोसेस पहले आएगा पहले वो ही मतलब एग्जीक्यूट होकर जाएगा बैच प्रोसेस था जिसमें जो मतलब एक जैसे जॉब को इकट्ठा करके उसको प्रोसेस किया जाता फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए थे जिसमें मल्टीपल प्रोग्राम को आप एक टाइम के ऊपर सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट कर सकते फिर रियल टाइम थे जिसमें टाइम स्नैरियो था जिसका टाइम ज़्यादा था मतलब कि जो हायर टाइम जिसको ज़्यादा टाइम लगे उसको पहले रिस्पॉन्ड करना चाहिए फिर डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद थे जिसमें डाटा को स्टोर कर दिया जाता था और फिर मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर उसको प्रोसेस किया जाता था फिर मल्टी प्रोसेसिंग थे मतलब एक से ज़्यादा प्रोसेसर जो थे एक सिंबल सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे होते थे फिर पैरेलल ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए क्योंकि मतलब एक टाइम के ऊपर दो या तीन, तीन 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 प्रोसेस इकट्ठे काम करना शुरू कर देने थे तो ये डिफरेंट कैटेगरीज आ गई थी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तो बेसिकली जो हाउ ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है प्रोग्राम को लोड करता है मेन मेमोरी में उस प्रोग्राम को हम क्या नाम देते हैं कर्नल का नाम देते हैं जब एक बार इनिशियलाइज हो जाता है तो फिर सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है प्रिपेयर्ड होता है यूज़र प्रोग्राम के लिए वो अलाउ करता है कि हार्डवेयर एफिशिएंटली उसको यूज़ किया जाए जैसा कि विंडो 98 एट की जो है आपको यहाँ पर एक्जाम्पल दी गई है जितने भी इंग्लिश में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ इसके बारे में उसके बाद फिर उसने जो रिसोर्सेज जैसे प्रंटर मैनेजमेंट है कैमराज इन सब को क्या करना है कंट्रोल करना है ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर क्लासीफाइड कर दिया जाता है मल्टीपल टास्क के अंदर के भाई एक टाइम में सिमिलिटिनसी कौन कौन सा टास्क परफॉर्म करना है अगर मतलब क्या हो कि इफ द सिस्टम कैन बी यूज़ बाय द मल्टीपल यूज़र इट कैन भी टर्म सिंगल यूजर और मल्टी यूज़र मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे बंदे यूज़ कर रहे हैं तो मल्टी यूज़र बन जाएगा ठीक है अगर एक ही बंदा यूज़ कर रहा है तो सिंगल यूज़र हो जाएगा जैसा एग्जाम्पल इफ़ वी वॉन्ट टू परफॉर्म सम पेंटिंग ऑन द स्क्रीन दैन वी मस्ट यूज़ द ऑप्लिकेशन सॉफ्टवेयर जिसको पेंट का नाम देंगे हार्डवेयर एज अ माउस के तौर पे फॉर ड्राइंग एन ऑब्जेक्ट बट हाउ द सिस्टम नोज वट टू डू वैन द माउस मूव ऑन द स्क्रीन

शेड्यूलिंग एलगोदम आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ेंगे तो बहुत डीक पढ़ेंगे रॉप एंड राउंड हुड शेड्यूलिंग है बहुत और भी दो तो चार उसकी मतलब आपको टाइप मिलेंगे एलग्रिदम्स की इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है यूजर और सिस्टम के दरियान ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है स्टोर करता है बायोस बायोसमीन जैसा कि बेसिक इनपुट आउटपुट प्र डिवाइस हैं ठीक है इसके अलावा क्या काम कर सकता है मस्ट बी लोड इन टू कंप्यूटर फॉर द वी विल यूज द दिच स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक जो था आपके पास एक ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने आपको ओवरव्यू दिया है और फुली किया आपको बहुत अच्छी तरह समझ होगा अगर इसके अलावा भी कुछ आपके कोई माइंड में क्वेश्चन हैं या फिर आपने इसका जो है सॉफ्ट फॉर्म मुझसे लेनी है तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा तो आई विल अपलोड दिस सॉफ्ट फॉर्म आई विल प्रोवाइड यू तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड हो तो आपको यूट्यूब के ऊपर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और काइंडली तमाम अपने फ्रेंड्स और जो क्लास फेलोज उनके साथ कुछ शेयर लाजमी करें थैंक यू अल्लाह हाफिज़